अदरवाइज सो टुडे वी हैव लर्न ओके माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर क्या बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे ठीक है सो कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कैसे मैनेज होती हैं क्या ओवरव्यू है दिस पोर्टल का ओके क्या यूज है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं तो मेरे आपके सामने जो ये पोर्टल खुला है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का है राइट सो लेट्स गेट स्टार्ट सो देयर इज होम पेज ओके उसके बाद लेट्स कम यूजर्स एंड एक्टिव यूजर्स ओके गाइस यूजर के अंदर में क्या था एक्टिव यूजर्स कॉन्टैक्ट गेस्ट यूजर्स डिलीटेड यूजर्स अब स्टार्ट करते हैं पहले एक्टिव यूजर्स राइट लाइक आपको जैसे कोई यूजर्स क्रिएट करना है आपको एक्सचेंज पे माइक्रोसॉफ्ट 365 पे सो लेट्स एक हम क्रिएट कर लेते हैं ओके हाउ टू क्रिएट जॉनी एक्चुअली मल्टीपल क्रिएटेड है ऑलरेडी बट हम ये भी सीख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है जॉन अगर आपको इसका पासवर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट करना है तो ऑटोमेटिक पे आ जाएगा अगर हमें इस पर क्रिएट करना है जैसे लाइक मैंने क्रिएट कर दिया राइट मैंने क्रिएट कर दिया इस पासवर्ड इसका ठीक है देन मैं गया नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइसेंस विच लाइसेंस यू नीड टू असाइन गाइस लेट्स हमारे पास लाइसेंस कितने हैं ये लगा दे रहा हूँ फिलहाल एज रखना ओके हमारे पास सारे लाइसेंस ख़त्म हो चुके हैं ओके देन क्रिएट करेंगे ओके ये रोल हम बाद में भी असाइन कर सकते हैं ओके अगर आपको यहाँ से रोल असाइन करना है यू कैन डू इट ओके गो टू एडमिन यू कैन असाइन द रोल्स क्या क्या रोल हो सकते हैं एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर ग्लोबल रीडर्स हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस इज सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर टीम सर्विस यूजर दैट ऑल टाइप ऑफ द रोल्स ओके सो कैटेगरीज सी कोलेब्रेशन एथेंटिकेशन या एथेंटिकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायनेमिक 365 एक्शन एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज कोलेब्रेशन ओके सो यू कैन असाइन एंड यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू ओके ग्लोबल एडमिन यू नो गाइस ग्लोबल एडमिन व्हाट कैन डू इट ग्लोबल एडमिन एवरीथिंग एबल टू डू इट राइट एवरीथिंग दैट मीन्स सब कुछ कर सकता है अगर आप किसी के पास ग्लोबल एडमिन का राइट्स है ओके एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर लाइक दीज आर टाइप ऑफ द रोल्स ओके सो अभी मैं कोई भी रोल असाइन नहीं करना चाह रहा हूँ उसके लिए जस्ट वांट टू गो नेक्स्ट पेज ओके एंड फिनिश हियर सो हमने क्रिएट किया है अभी एक यूजर लेट्स चेक हम क्या कर सकते हैं इसके बाद एंड क्लोज हम यहाँ सर्च करते हैं जॉन जो हमने क्रिएट किया था जॉन जी हमने क्रिएट कर दिया गाइस यू कैन चेक हियर अब गाइस यहाँ से आप क्या क्या मैनेज कर सकते हो लाइक मैंने यूजर ओपन किया राइट इसका यूजर मैनेज यूजर नेम्स लास्ट लॉग इन कब किया था ये चेक कर से साइन इन साइन आउट ओके
यहाँ से ग्रुप, कोई भी ग्रुप में अगर ऐड हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लाइक आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, लाइक कोई भी ग्रुप पे किसी भी ग्रुप को आपको ऐड करना है यूजर को, राइट, तो डायरेक्ट यूजर के थ्रू आप किसी ग्रुप को भी ऐड कर दो। ओके, ऑन योर मैनेजर प्रोवाइडेड गेट एंड गो टू रोल हियर डिवाइस, क्या 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 डिवाइस पे एक्सेस है। ओके, लेट्स कम टू लाइसेंस पार्ट। एप्स लाइसेंस, वी कैन असाइन द लाइसेंस फ्रॉम हियर। ओके, एंटरप्राइज, अभी रिसेंटली मैंने सिर्फ ये लाइसेंस असाइन किया है। ओके, सो यहाँ से आप लाइसेंस सेंस आप असाइन कर सकते हो यूजर के लिए। ओके, मेल पे आते हैं जो के, सो हियर यूजर डजंट हैव एक्सेस ऑनलाइन लाइसेंस, दैट्स व्हाई मेल, इसलिए मेल यूजर का नहीं है। ओके, अगर मैं असाइन करता हूँ लाइसेंस, ठीक है, देखना अभी मेल इनेबल हो जाएगा क्योंकि इस लाइसेंस में मेल नहीं मिलता जो अभी करंटली लाइसेंस इनेबल है। ओके, मैं अगर हमारे पास लाइसेंस है ऑफिस E5 में, एक लाइसेंस लेट चेक करते हैं। ओके, कि मैंने अभी अभी क्रिएट किया है यूजर को, गाइस थोड़ा सा रिप्लिकेट होने में किसी भी चीज़ में टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, एक्सचेंज लाइसेंस नहीं है इसलिए इसका मेन बॉक्स नहीं होगा, हमें E5 लगाना पड़ेगा। जब ये लाइसेंस भी खत्म हो गए पूरे 0 ट्रस्ट मोड, लेट्स ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मीनवाइल जब तक मैं दूसरा लाइसेंस दूसरा ओपन कर लेता हूँ। लेट्स कम अगर इस पे है गाइस, ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो गाइस, तो ये मेल बॉक्स आप देखते हो 100 GB है, इसमें गाइस हम देख सकते, देखो कौन कौन से लाइसेंस असाइन है इस पे। लेट्स सी क्लियर विच लाइसेंस असाइन, सेड ई एंटरप्राइज डिजिटल प्लस सिक्योरिटी E5 एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 कंप्लायंस। ओके, ऑफिस 365 E5 दैट वन लाइसेंस। ओके, सो यहाँ पे आप, ठीक है, ये मेल बॉक्स है, अगर किसी को देख मेल बॉक्स परमिशंस फुल एक्सेस सेंडर्स परमिशन सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन गाइज, अगर आप किसी भी मेल बॉक्स को एक्सेस दे रहे हो सेंड फुल एक्सेस परमिशन, राइट, सो लाइक मैं किसी को दिया ब्रियान जॉनसन, मैंने अगर ब्रियान जॉनसन को फुल एक्सेस की परमिशन दे दी गाइज, ठीक है, तो मेरे मेल बॉक्स का जो एक्सेस है, ठीक है, वो ब्रियान एक्सेस कर पाएगा, जो भी मेरी ईमेल आएगी, जो भी ईमेल होगी, जो ब्रियान है वो सारी ईमेल्स मेरी एक्टिविटी जो भी सारा कुछ देख पाएगा, सारा कुछ मैनेज कर पाएगा। ओके, बट वो ईमेल सेंड नहीं कर पाएगा मीन भाई जब तक मैं सेंडेज परमिशन ना दे दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सेंडेज परमिशन दे दूँगा तो मेरे मेल बॉक्स के थ्रू वो क्या मैस ईमेल भी कर पाएगा, राइट, जो ब्रियान को दी थी मैंने, ठीक है, ब्रियान को मैंने दे दी एक्सेस। ओके गाइस, सो ये है सेंड परमिशंस,
ठीक है। अब सेंडर सेंड ऑन बिहाफ परमिशन अगर मैं दे देता हूँ, अगर दोनों परमिशन असाइन है तो इन दोनों में ओनली सेंडर्स परमिशन वर्क करेगी गाइज, ठीक है। अगर मैं सेंड ऑन बिहाफ परमिशन देता हूँ तो भी ये मेल सेंड कर पाएगा। अगर ये दोनों ईमेल दोनों परमिशन नहीं है, सेंडर्स एंड सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन, राइट, सो ये ओनली सिर्फ रीड राइट कर पाएगा मेल को और जो भी रीड एक्टिविटी सब कुछ कर लेगा, लेकिन मेल सेंड नहीं कर पाएगा जब तक मैं सेंडर्स परमिशन सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है। अगर इन दोनों मैंने दोनों की परमिशन दे दी, सेम ब्रियान को दे दी मैंने सेंडर्स परमिशन और सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन दे दी, तो उस केस में ओनली सेंडर्स बिहाफ परमिशन काम करती है, वर्क करती है, ठीक है। सेंड ऑन बिहाफ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इस केस में मोस्टली हम सेंड ऑन बिहाफ दे देंगे तो ली तो ये परमिशन ओनली काम करेगी, सेंड ऑन बिहाफ परमिशन करेगी, ठीक है। तो ये मेंशन अभी के लिए मैं इसको एक्सेस हटा दे रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू रिमूव द एक्सेस। सो लेट्स आज हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, ओके। फिलहाल एज ऑफ नाउ सो लेट्स गेट स्टार्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं माइक्रोसॉफ्ट सिवाय एडमिन सेंटर पे, ओके। मेक 60 मिनट टेक टाइम टू डुप्लीकेट, ओके अगेन, बट सेंड ऑन बिहाफ परमिशन मैं हटा सकता हूँ, ये मैंने हटा दी गई, सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन, ओके। सो नेक्स्ट हम क्या आते हैं, जैसे ईमेल्स अलाउ अदर ईमेल्स लाइक ईमेल ऐप वगैरह हो जो भी, ठीक है। एसएमटीकेशन ये सारी चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, ऑथेंटिकेट एसएमटीपी, ओके। सो ईमेल फॉरवर्डिंग, लाइक हम ईमेल फॉरवर्डिंग जब लगाते हैं, फॉरवर्डिंग फॉर ईमेल सेंट आइटम्स, मैंने किसी भी लगा दी, ठीक है, जो भी यहाँ पे किसी के एक्सटर्नल पे मैंने लगा दी ईमेल, तो जो भी ईमेल्स होगी ना गाइस सारी ईमेल फॉरवर्ड होगी इस अकाउंट पे, इसका नाम पर कोई बंदा है, ठीक है, @gmail, com, तो ये सारी ईमेल इसको फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर मैं कीप कॉपी ऑप्शन डिसइनेबल कर दिया, राइट, ठीक है, तो एक कॉपी ऑप्शन इस मेल पे जाएगी, ये जो आकाश है, ठीक है, इस पे एक जाएगी ईमेल और एक दूसरी फॉरवर्ड होगी स्काई पे। अगर मैं इसको डिसेबल कर दिया, राइट, ठीक है, अनचेक कर दिया, तो सारी ईमेल्स किसको जाएगी, स्काई को, ना कि अब इसमें क्या, इसमें केस में क्या होगा कि अब ये जो कॉपी होती थी फॉरवर्ड, एक ईमेल इस पे जाती थी, एक ईमेल इस पे जाती थी, तो अब क्या होगा, इस पे आकाश पे कोई भी ईमेल नहीं जाएगी, जो भी ईमेल इसको करेगा कोई, तो डायरेक्ट ये इसको ईमेल फॉरवर्ड होगी डायरेक्ट, ठीक है, ये फॉरवर्डिंग का मतलब, ओके। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी कुछ ऐसे कोई फॉरवर्ड नहीं लाते, सिक्योरिटी टीम को अप्रूवल होता है जो भी है जिस टीम का, ठीक है, उसके बाद ही काम किया जाता है, ओके। सो दीज आर ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, आउटलुक की ग्लोबल एड्रेस में अगर आप यहाँ से इसको अनचेक कर दो, हाइड करना हो हाइड कर सकते हो, ओके। सो यस नो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू, जिससे ऑटो रिप्लाई मैनेज करना है। अब वो लाइक मैं जैसे कि छुट्टी पे जा रहा हूँ कल, ठीक है, 1 वीक के लिए आई एम गोइंग टू हॉलीडे फॉर 1 वीक्स, राइट, सो जस्ट वी कैन टाइप हियर 1 वीक एंड हाई थैंक्स फॉर योर ईमेल लाइक दैट, लाइक आई एम गोइंग टू ऑन हॉलीडे फॉर 1 वीक, सो प्लीज कॉन्टेक्ट माई टीम्स रिलेटेड, आप अपना क्यूरी जो भी रखना चाह रहे हो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, और सिंपल जस्ट इनेबल कर दोगे, टर्न ऑन ऑटो रिप्लाई सेंट ऑटोमेटिक रिप्लाई ऑल एक्सटर्नल सेंडर एज वेल, ठीक है, सेंड रिप्लाई सेंडर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से
ऑटो रिप्लाई लगा दोगे, जैसे जो भी उसके बाद क्या होगा, जो भी कोई ईमेल करेगा ना आपको गाइस, तो ये ऑटो रिस्पॉन्स उसको आ जाएगा कि लाइक हिज पर्सन इज नॉट अवेलेबल, ओके राइट नाउ दैट ऑटो रिप्लाई कही। अब यहाँ से जैसे कि मैनेज फॉरवर्ड हो गया, अब है हमारे पास कन्वर्ट टू शेयर मेल बॉक्स, राइट। इनकेस क्या होता है कि जब यूज़र ऑफ बोर्ड होता है, ठीक है, तो उसको केस पे क्या होता है, यहाँ से हम यूज़र को पहले शेयर मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट उसको हम क्या करते हैं, ऑफ बोर्ड वगैरह करते हैं, लाइसेंस हटाते हैं, ठीक, कन्वर्ट टू शेयर में, शेयर के मेल बॉक्स में गाइस क्या होता है, एक यूजर मेल बॉक्स शेयर में, जो हम अभी क्या है, ये यूजर मेल बॉक्स है, ठीक है, यूजर मेल बॉक्स टू शेयर मेल बॉक्स। शेयर मेल बॉक्स में क्या होता है कि नो नीड टू लाइसेंस, और ओके इसमें कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है, इसमें बाकी सेम चीज़ें होती हैं, सेंड ऑन बिहाफ परमिशन, फुल एक्सेस परमिशन, सारी चीज़ें मोस्टली होती हैं, बट इसमें कोई ऑनर नहीं होता, जैसे कि शेयर मेल बॉक्स जैसे कि कोई एक ग्रुप ऑनर होता है, ठीक है, इसका कोई ओनर नहीं होता है। दैट शेयर मेल बॉक्स यूज़ करते हैं मोस्टली ईमेल भेजने के लिए, जो भी कि ईमेल कोई यूजर सेंड, कोई सेंड कर पा रहे तो मल्टीपल शिप एक टाइम में, ठीक है, किसी को शेयर कर सके ईमेल्स और जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है, शेयर मेल बॉक्स को सेंड कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके ईमेल्स। शेयर मेल बॉक्स लेट ग्रुप ऑफ पीपल मॉनिटर, राइट, इसमें सारे ग्रुप हो जाए, सेंडर सेंड ऑन बिहाफ परमिशन, तो जो भी ईमेल एल्स कर रहा है कोई, जैसे कि मैंने एक शेयर मेल बॉक्स 10 लोग एक्सेस किया, मैं कुछ लोग की चाह रहा हूँ कि 10 लोग एक साथ ईमेल चली जाए, ठीक है, तो एक ना, और वो भी अगर रिस्पांस करना चाहे तो रिस्पांस कर दे, जो भी अगर, तो उनको मैंने सारी एक्सेस दे दी, ठीक है, और ईमेल मैंने भेज दिया, तो सारे लोग एक साथ ईमेल चली जाएगी वन टाइम में, कैन गेट, ओके। तो अभी आप पढ़ सकते हो, शेयर मेल बॉक्स लेट ए ग्रुप ऑफ पीपल मॉनिटर एंड सेंड मेल फ्रॉम ए कॉमन ईमेल एड्रेस लाइक यू नो लाइक info@contoso.com, सो दैट व्हेन यू कन्वर्ट यूजर मेल बॉक्स टू शेयर मेल बॉक्स ऑल द एग्जिस्ट ईमेल कैलेंडर आइटम विल बी अवेलेबल, यू नो कैलेंडर आइटम विल बी अवेलेबल टू मेंबर ऑफ दैट मेल बॉक्स, यू नो गाइस, सो दैट यूजर ईमेल बॉक्स यूजर इंपैक्ट होता है, यूजर वांट साइन इनटू दैट शेयर मेल बॉक्स में क्या होता है, साइन यूजर मेल हमें साइन इन करना पड़ता है, लाइक भाई यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल अपने पुट करने पड़ते हैं, बट इंसेंट वे देयर इज नो नीड टू क्रेडेंशियल, राइट। सो यहाँ क्या लिखा, यूजर वांट साइन इन टू शेयर मेल बॉक्स विथ ए यूजर एंड पासवर्ड, राइट, तो यहाँ साइन नहीं कर रहा, बट पीपल हु आर मेंबर ऑफ मेल बॉक्स कैन एक्सेस इट विथ आउटलुक, बट जो भी मेम्बर होंगे इसके शेयर मेल बॉक्स से, दे कैन एक्सेस द मेल बॉक्स, ओके, सो दैट इज द, ओके, सो ये है शेयर मेल बॉक्स। देन वी कैन गो एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज, वी कैन एडिट गो टू एक्सचेंज एडमिन सेंटर में आ जाएंगे, वहाँ से लेट्स मैं नेक्स्ट टाइम ले जाऊँ, मैनेज लिटिगेशन होल्ड पढ़ते हैं, ठीक है, मीन्स मैं लो लिटिगेशन होल्ड मैंने लगाया 16 डेज ago guys, ठीक है, तो पर्स आइटम जैसे कि मैं लिटिगेशन होल्ड लगाया कि यूजर जो भी ईमेल्स है उसकी डिलीट ना हो, लाइक यूजर जाने वाला है या कि, ठीक है, कि मैं इसका मेल बॉक्स को रिटेन करना चाहता हूँ लाइक वन ईयर के लिए, 60 डेज के लिए, कुछ लाइक इम्पोर्टेंट ईमेल्स है, राइट। सो कैन यू सी राइट हियर, When a mailbox put on litigation hold, user can purge item from their mailbox, right? जो email होती है as first, ठीक है, उसके mailbox में purge हो जाती है, but those item will still be retained by Microsoft 365, okay? जो अब user जैसे offload हो गया, ठीक है, वो चला गया, तो हम इस केस में क्या करते हैं, अगर मान लो लाइसेंस नहीं है, लिटिगेशन होल्ड लगाने के लिए हमें मेल बॉक्स होना चाहिए। अब यूजर क्या होता है कभी कभी इन दैट केस कि केसेस आते हैं, जैसे कि इस मेल बॉक्स पे हमें लिटिगेशन होल्ड लगाना है, रिसेंटली यूजर अपबोर्ड हुआ है जस्ट 1 or 2 days, ओके, जो लास्ट 30 days तक तो रहता है, ओके, मेल बॉक्स, बट हम उसमें क्या करते हैं तो लाइसेंस लगाते हैं, ठीक है, जिससे जो उसका मेल बॉक्स अवेलेबल रहे, लाइक एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान टू लाइसेंस लगाते हैं इसके लिए, ठीक है, लिटिगेशन कोड लगाने के लिए, तो हम जो मेल बॉक्स रहता है वो
एडजस्ट करता आने लगता, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, मेलबो एक्शन ऑनलाइन प्लान टू लगाए और लिटिगेशन होल्ड लगाए, लाइक आप ड्यूरेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो किस निर्देश 100 days 60 days जो भी है, वट एवर यू वॉन्ट, ओके, या आपको अनलिमिटेड टाइम तक के लिए लगाना है, जस्ट सेफ चेंज कर देते हैं ना, जो लिटिगेशन होल्ड लग जाए अनलिमिटेड टाइम के लिए लग जाएगा, जब भी यूजर जब तक कि कस्टमर रिस्पॉन्स ना करे कि हाँ लिटिगेशन होल्ड लगाना बस हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे रिस्पॉन्स आ जाए उसको ईमेल समय कॉन्टेंट सर्च वगैरह के थ्रू हम ये ईमेल्स वगैरह दे सकते हैं यूजर, ठीक है, इसका ये मेल वगैरह, ओके। तो मेल क्या होती है, पर्ज हो जाती है, मतलब मेल बॉक्स अवेलेबल रहता है इसका लिटिगेशन होल्ड से, अगर जैसे कि लिटिगेशन होल्ड में होल्ड है, ठीक है, तो सारी मेल्स मिल जाएगी यूजर को, ओके। तो ये पर्पज है लिटिगेशन होल्ड का, जैसे कि मेल बॉक्स पर रजिस्ट्री, ओके। सो ये था लिटिगेशन होल्ड, ये था गाइस। सो वन टाइप देखो गाइस, हमें कौन कितने जी मिलता है, 100 GB, ओके, ईमेल बॉक्स वन ड्राइव। लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम वन ड्राइव। सो यहाँ से वन ड्राइव का भी एक्सेस है, जैसे गेट एक्सेस जस्ट लिंक किए उसके यूजर की वन ड्राइव पे आ गए, ओके, ठीक है। कंट्रोल से नहीं एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं, डेटा रिटर्न 30 days, लाइक 100 GB, दैट मीन्स 1 TB स्टोरेज होती स्पेस, ओके गाइस। सो ये यहाँ से लिंक बन गया, आप इसकी वन ड्राइव भी एक्सेस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये है सिंपल जस्ट यूजर मेल बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बता दूँगा इसमें, ठीक है गाइस। जैसे कि एक बात, अभी मैं आऊँ डिलीटेड यूजर पे थोड़ा, ठीक है, जैसे कि 30 days तक हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, ओके, जैसे डिलीट हुआ यूजर्स या नहीं आ रहा है, उसके बाद 30 days के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, ओके, आफ्टर डिलीटेड यूजर से मेल बॉक्स एनीथिंग। सो यही था, सो आज बेसिक था इसके अंदर, ये कॉन्टेक्ट थोड़ा सा और मैं वो करा दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, एक कॉन्टेक्ट है, मैं बाकी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, कॉन्टेक्ट यूजर गेस्ट यूजर, सो थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, ओके गाइस। एक कॉन्टेक्ट है, दैट कॉन्टेक्ट पीपल आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन दैट डिड लाइक एवरीवन टू बी एबल टू फाइंड एवरीवन लिस्टेड इन फाउंड कैन बी आउटलुक अंडर पीपल, राइट। तो ये कॉन्टेक्ट है, जैसे कि ईमेल वगैरह के लिए डेटा भेजना, गेस्ट यूजर है, गेस्ट यूजर कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स लेट्स से पॉइंट्स एज वेल ईमेल्स, राइट। डिलीटेड यूजर हियर, डिलीट को डिलीट, वी कैन रिटर्न द डिलीटेड यूजर अप टू 30 days, ओके। सो दीज आर थिंग्स हियर, ओके। सो आई विल जस्ट थैंक यू गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट नई नई थिंकिंग। सो प्लीज़ इज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड और अपना ओवरव्यू देना जो भी जैसा था वीडियो में, और मैं एलेबोरेट करूँगा आपको थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें, ओके। थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे, बाय बाय।